राखी जी, राखी जी सबकी फेवरेट राखी जी। वॉचमैन भी बना किया था राखी जी। आज वर्कआउट कैसा किया राखी जी? क्या वर्कआउट कैसा किया? अरे इधर गाड़ी है, उधर कहाँ जा रहे? रुकिए रुकिए थोड़ा, रुकिए राखी जी, सनलाइट आ गया उधर। अरे उधर शिफ्ट हो जाओ ना, लाइट आ रहा है। हाँ बस कैसा रहा वर्कआउट आपका? अच्छा रहा। रितेश सर को भी लाया करो कभी वर्कआउट करना। राखी जी आपका मूड ऑफ लग रहा है आज। क्या हो गया? ज्यादा वर्कआउट हो गया आज? नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो क्या हो गया आज आपको? क्या हो गया राखी? बोलिए ना। क्या राखी जी नया गाड़ी ले रहे हैं, आप बुलाया नहीं हमको? कौन ले रहा है? कल गए थे शोरूम में देखने गए, हमको बोले नहीं, हम भी आ जाते थे। अरे नहीं देखने जाते तो थोड़े ना, मैं थोड़ी किसी को बुलाती हूँ गाड़ी देखने, मैं जा रही हूँ आ जाओ मीडिया, वो आप लोग ही पहुँच जाते हो, मैं थोड़ी बुलाती हूँ किसी को। अच्छा कभी ले रहे हैं? गाड़ी देखने गई थी, लेने नहीं गई थी। अभी वैलेंटाइन, आई एम नॉट श्योर। अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, रितेश सर के साथ कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रही, इतने अच्छे नसीब नहीं है कि वैलेंटाइन मनाऊँ मैं। अरे इतने अच्छे तो पति है आपके रितेश जी। क्या हुआ राखी जी? किशन भी आया आज। क्या हो गया मैडम आज आपको? बहुत नर्वस लग रहे हो आप मैम आज। क्या बोलने का, घर घर की कहानी क्या बोलने का? थोड़ा तो बोल दीजिए। नहीं शट अप है मूड ऑफ, क्या कर सकते हैं। क्या तुम कल आई थी ना? तुम रोज आती हो क्या? मैं आज कल के दिन ही माफ देने वाली थी, लेकिन मिले ने आपको जो मैडम इसने में आ जाए। ये क्या है? मैंने इसमें कुछ गाना गाओ, गाओ बहुत ज्यादा बड़ा हो गया अभी। अरे आप लोग की वजह से ये लोग आते हैं, इनको मीडिया में दिखना। नहीं मैडम आपके बहुत बड़े फैन हैं, इनकी वजह से नहीं आई मैडम। तो आप कैमरा देख के आ जाती हो गाना लेके, इसका क्या मतलब? मैं कोई म्यूजिक डायरेक्टर थोड़ी हूँ। मुझे है ना सलमान भाई सर को देने का। सलमान? तुम्हें सलमान खान हो क्या? मैं उनकी बहन हूँ, मैं उनकी बहन। अच्छा गाना करके दिखाऊँ, मुझे पसंद आया तो सलमान भाई को पसंद आएगा। गाओ गाओ गाना गाओ गाओ चलो। आज मला भेट द्यावी शरण तुला रे, तुझ्यासाठी फुले मी आणली, लाल जास्वंद आणि चमेली, वक्रतुंड लंबोदर म्हणते तुला रे, आज मला भेट द्यावी शरण तुला रे। फिल्मी गाना नहीं आता? गाइस फिल्मी गाने भी है, भजन भजन तू भजन पे थोड़ी ना डांस करेंगे भाई। और इसमें ना कुछ डायलॉग्स कॉमेडी लिखी है मैंने मेरे सपने में। कॉमेडी बताओ। कॉमेडी है, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है मैडम। नहीं मैं ऑडिशन ले रही हूँ ना आपका, मेरे को मैं देख रही हूँ ना, लाइव ऑडिशन चालू है। अच्छा होगा तो पब्लिक ताली बजाएगी। मराठी और इंग्लिश लेडी का है कॉमेडी, सुना दो। हाँ सुना। एक ना मराठी लेडी रहती है, पेट से रहती है, उसे आम खाने का बहुत शौक रहता है। क्या रहती है? पेट से रहती है, प्रेग्नेंट। हाँ तो एक ना पेड़ के झाड़ पे चढ़ती हो आम खाने के लिए, तो इंग्लिश जो औरत रहती है उसे आश्चर्य होता है कि एक लेडी पेड़ पे कैसे है, तो इंग्लिश में क्या बोलती है, ओ माय गॉड। और मराठी औरत को तो इंग्लिश आती नहीं, तो मराठी में बोलती है, अरे मैं खा रही हूँ तुझे कैसे गॉड लग रहा है। तो फिर ये जब बोलती है इंग्लिश में गाली देती है, तो मराठी भाई क्या बोलती है, डोंट टॉक का मतलब तेरे बाप का ही क्या, डोंट टॉक बोलती है, उसे लगता है पेड़ मांग रही है। ये इतनी बड़ी कॉमेडी है। और एक स्क्रिप्ट लिखी है मैंने घर पर, मैं भूल आई, बहुत बड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है सलमान भाई की। ये दो तीन लाइन से मैडम मैंने आपने मैसेज, मैंने भोले बाबा को मन्नत मांगा, कल मैंने दूध चढ़ाया कि राखी मैडम मुझे सलमान भाई से हमारे देख मन के भोले बाबा को वहाँ पे मैंने चढ़ा। मैं हर सोमवार को आपके लिए मुमरा को चढ़ाना चाहिए था ना मैडम, आपके लिए मुमरा देवी का 100 सीढ़ी चढ़ के गई मैं नंगे पैर, फोटो भी है मेरे फोन में आपके लिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और ये भी मन्नत मांगा कि मेरी राखी मैडम अगली बार बिग बॉस में विनर हो जाए, आपकी क्रेजी फैन हूँ सलमान भाई। और जो क्या जो बहुत है लेकिन कैमरे के सामने मुझे डर लग रहा है बोलने के लिए, लेकिन नहीं 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 तुमको डर तो नहीं रही है। सलमान भाई को देना बहुत कुछ लिखा है, थैंक यू। एक शायरी भी लिखी है मैंने। किसी को हंसी आई क्या? नहीं नहीं आई। जोक पे? नहीं आई। प्रेग्नेंट औरत के? नहीं आई। 5 मिनट क्या अम्मा ने बोला, थैंक यू कुछ लिखा है विशाल, बोला थैंक यू मैम। 5 मिनट का हो गया, एकदम मस्त है क्या? हां हो गया, थैंक यू मैडम। बाकी जाने चाहिए यार, आ जाइए राखी जी। राखी जी आपके मूड को क्या होगा आइटम बता दीजिए। आ जाइए
मुझे ये आप लोग की वजह से फिर अभी ये लोग रोज आके खड़े होते हैं। ये रोज मत करना रोहित। आप लोग अभी आप बताओ क्या, अभी क्या बोलूं मैं कैमरे के सामने इन लोग को, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं कि ये अड्डा थोड़ी है मिलने का, और मैं मंत्री थोड़ी ना हूँ, मंत्री थोड़ू हूँ क्या मंत्री। अभी ये भी छापोगे क्या? नहीं बंद। ये भी छापोगे? मजा आ रहा है आप लोगों को यही छापने का? ये आप लोग ये करते इसी वजह से लोग फायदा उठा लेते बंद कर रहे ऐसे आ जाते हैं जोक बताते हैं भाई क्या है आपको मजा आएगा ये जोक का बंद कर बोल रहे ना वो देखो अभी आके कैमरे के सामने आके जोक बताते ये बताते मैं सलमान खान को मैं कहाँ से मिलाऊंगी और आप शूट कर रहे हो काटो इसको पूरा छूट गया अभी मैं जिम बंद कर रही हूँ आज से मैं इधर जिम आ ही नहीं रही हूँ वाला सब काट देना आई रिक्वेस्ट पक्का 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 क्योंकि उनको हाथ ही मत दो ना ओ भाई एक मिनट राखी जी वाला जो पार्ट है ना मैडम का वो हटा ही देगी राखी जी यहाँ देखिए ओके ओके राखी जी यहाँ सेंटर में आ रही है सेंटर में राखी जी इधर हम सामने देखिए ना राखी जी इधर देखिए ना क्या वाला कैमरा राखी जी मुझे नहीं पता मैं आपको वही मैं गाड़ी देखने गई थी मेरा ड्रीम था बट माँ की सेहत ज़्यादा ज़रूरी होती है तो आई डोंट थिंक सो मेरा उतना बजट है इतना बड़ा कि मैं कार लेने जाऊँगी तकदीर में होगी तो आ जाएगी प्रे फॉर मी मैंने सब अच्छा होगा मम्मी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी और कार भी आ जाएगी ज्यादा जरूरी है कार भी आ जाएगी रियली बस कार भी आ जाएगी सबकी दुआ है आपके साथ थैंक यू मैं तो सिर्फ एक देखने गई थी कि मैं खरीद सकती हूँ कि नहीं मुझे लगा कि कोरोना में कार सस्ती हो जाएगी लेकिन कार बहुत महंगी है 60 लाख कौन देगा भाई मम्मी की हेल्प पहले मैं सलमान खान की बहन हूँ दोस्त हूँ हम लोग कलीग है साथ में काम करते हैं मैं सलमान खान नहीं हूँ जो मैं इतनी बड़ी कार यूज कर सकती हूँ मैं सिर्फ देखने गई थी आएगी आपके पास जाएंगे इंशाल्लाह अरे हम लोग ऑटो में घूमने वाले लोग हैं भाई छोटी कार है बड़ी कार है लेकिन अपनी ये लाल कार भी ठीक है दिल बड़ा है आपका कार ऊपर वाले ने हाथ पैर सही सलामत दिए है ना मैंने इतना भी लोग मेरे आंसू निकल जाते हैं जिनके हाथ पैर भी नहीं होते वो भी शुक्रगुजार करते हैं ईश्वर ने हमको हाथ पैर दिए वो शुक्रगुजार होना चाहिए हमें बड़े कार की बड़े घर की जरूरत नहीं है ईश्वर माँ बाप का प्यार आशीर्वाद होना चाहिए हम हर हालत में जी लेंगे भाई के भी मूवी भी स्टार्ट होने वाले कभी ईद कभी दिवाली अरे भाई नहीं बोला है मुझे जल्दी पतली हो क्या मैं तेरे को गाना देता हूँ आप चले जाओ आइटम नंबर सलमान भाई मैं पतली हो रही हूँ अभी आपने वादा किया आप जरूर गाना देना देखो मैं खाना भी डाइटिंग का लेके जा रही हूँ ये देखो हाँ ग्लूटेन फ्री हो गई हूँ शमिता शेट्टी की तरह शिल्पा शेट्टी की तरह और उनकी मदर की तरह पतली हो रही हूँ मैं एकदम लग ही रहा है पहले सलमान भाई मैं पतली हो रही हूँ भाई भाई उनका काट देना वो लेडी का सब कुछ कल्याण से आया हूँ हाँ ठीक है उन लेडी का काट देना बारिश गिरा था ना पूरा